जानवे बेटा यश के कमरे में जाने से पहले यहाँ भी आया कर, इधर आ। हे आंटी, व्हाट्स अप? थोड़ी तो लड़कियों वाली हरकतें कर। ओ गॉड आंटी, नॉट अगेन। टुडे इज द लास्ट ऑफ आवर फ्रीडम। वैसे भी पूरी छुट्टियां तो इंडिपेंडेंस डे जैसे निकाल दी है तुम लोगों ने। कल से 11वीं की पढ़ाई शुरू करोगी। वैसे भी कौन से झंडे गाड़ने वाले हो तुम दोनों? झंडे गाड़ लेंगे आंटी, देख लेना आप। तो दिल ये आ गया क्विक। सुबह सुबह व्हाट? सुबह के 8 बज रहे हैं, शी इज ऑलरेडी हियर। हाँ नील, यश, यश उठना, उठ चल, उठना। यश क्या कर रही है तू? डूड, तू अभी तक सो रहा है, हम लोग को कितना कुछ करना है। आर यू किडिंग मी? नो, आई विल किल यू। मुझे ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आ गया। सीरियसली डूड, पिलो फाइट, छी, बॉलीवुड कहेगा। बॉलीवुड बोलेगी? रुक, आई विल स्मैश योर फेस विद दिस। ट्राई इट, स्मैश माय फेस, आई डेयर यू। तू तो डर करे मत, तेरा हारने का रिकॉर्ड है बेटा, मेरा तोड़ने का रिकॉर्ड है। पागल, क्या कर रही है? तोड़ने का, तोड़ने का। अरे व्हाट वर यू सेइंग? आई डेयर यू, तू नहीं करेगी। एक्चुअली नहीं करूंगी, बिकॉज और भी बहुत काम है मुझे करने के लिए। लाइक सेंट मैरीज, द कूलेस्ट स्कूल ऑफ इंदौर। सोच, कल से एक नया वर्ल्ड होगा। थैंक गॉड हमारे वो सड़े से स्कूल में 11th और 12th नहीं था। काश होता यार। तुझे पता है, दिस लास्ट होल ईयर मुझे नील से किसी ने कंपेयर नहीं किया। किसी ने ऐसा नहीं बोला कि ओ यू नील्स ब्रदर, नील इज सो ब्रिलियंट, व्हाई डोंट यू बी लाइक हिम। अरे नील कितना ऑसम है, तुम नील की तरह क्यों नहीं बन सकते? एटलीस्ट फॉर दिस ईयर वो नहीं था, तो आई वॉज मोर ऑफ मी। अब फिर से वही आ जाएगा, फिर से नील इज दिस, नील इज दैट, नील इज दैट। छोड़ना यार, तू मेरे लिए तो सबसे बेस्ट है। और वो तेरा एरोगेंट भाई नील, उसकी तो ऐसी की तैसी की वैसी की बीप की बीप की बीप। अच्छा छोड़, चल मेरे पास एक ऑसम आइडिया है तेरा मूड ठीक करने के लिए, चल। नहीं, अरे कहाँ लेके जा, रुक जा। बेटा सुबह का टाइम है, पहले नाश्ता कर लो, तुम्हारा फेवरेट पोहा बनाया है। मॉम, सुडोकू सॉल्व करते करते ये पोहा और भी टेस्टी लगेगा, यू नो व्हाई? फॉर सुडोकू इज फन। अंकल आंटी, मैं इसे लेके जा रही हूँ, शाम तक आ जाएगा। एक सेकंड बेटा, ये अभी तक तैयार नहीं हुआ है, यहाँ तक इसने ब्रश भी नहीं किया। अंकल लेट हो रहा है, बहुत कुछ करना है, प्लीज 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 प्लीज। डैड, किसे समझा रहे हो? जिसे खुद तैयार नहीं होना आता और जिसे मना नहीं करना आता। तुम तैयार इसलिए हो पाते हो क्योंकि वो तुम्हारी तरह रूड और शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं है, वरना ये बॉडी ना तैयार होने लायक बचती नहीं। You know what? People who don't have brains use anger to cover their stupidity. How dare you talk about me and Yash like that? Aunty, देखा कितना rude है ये। बेटा वैसे नील सही तो बोल रहा है। यश अब बड़ा हो गया। बेटा उसको सोचना चाहिए कि इस तरह से घर से नहीं निकलता। अब नील को ही देख लो, तैयार होकर नाश्ता कर रहा है, पढ़ रहा है। और इन जनाब की सुबह ही अभी हुई। मैं रेडी होके आता हूँ। यार आई डोंट वांट अ न्यू हेयरडू यार। यस यू डू। उससे क्या होगा, सिर्फ आउटर अपीयरेंस बदलेगा ना, अंदर से तो मैं वही रहा, सेम एवरेज यश।
और सबको ना पता चलना चाहिए कि एवरेज भी अच्छा होता है। यार मुझे नहीं करवाना यार। तू एवरेज नहीं, तू यूनिक है, और यही बात हम पूरे सेंट मेरीज को बताएंगे। But since outer appearance जल्दी बिकता है for some stupid people to notice it faster, so that's why I'm gonna make you look more cooler. कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में हो देना फासले। नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोने आ सुन ले मेरी दिल दिया गल्ला, करांगे नाल नाल बैके अख नाल अख नू मिला के, दिल दिया गल्ला है करांगे रोज रोज बैके सच्चिया मोहब्बत निभा के। सताए मैनू क्यों दिखाए मैनू। मेरे हार्ड वर्किंग बच्चों के लिए हॉट एंड क्रिस्पी भजिए। कोई कूल डूड टाइप का प्रोजेक्ट चल रहा है क्या? डैड आप डूड मत बोलिए, आप पे सूट नहीं करता। हैवेट लो बेटे। जी ये तो जला हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो उल्टा करके रखा था। फिर मुंह में तो सीधा ही जाएगा ना। मजाक कर रहे हो, जले हुए पार्ट को छोड़ के बाकी सब टेस्टी है। रियली? अच्छा तुम ये पकड़ो, मैं अभी और बना के लाता हूँ। ओके यार तू कितनी अमेजिंग है। कुछ नया बता, तुझे पता है मैं अमेजिंग क्यों हूँ? नहीं। तेरी वजह से। यू रिमेम्बर व्हेन माय मॉम पास्ड अवे, तूने मुझे रत्ना आंटी से मिलाया था, उन्होंने मुझे अपनी घर की बेटी बना के रखा। थैंक्स यश। ए चल बॉलीवुड सेंटी मत मारा, पेंट कर पेंट कर। अच्छा मेरे को एक बात बता, ये पेंट का और सबका पैसा तेरे पास आया कहाँ से? वो डू वी हैव टू स्टिक टू अ पैक्ट ऑफ नो लाइज एवर? तूने फिर से कुछ गड़बड़ की, तू मुझसे क्या छुपा रही है? वो एक्चुअली सुबह सुबह तेरे रूम में जो तुझे बुलाने आई थी ना, तब वो तेरा पिगी बैंक वाज कॉलिंग मी। यू टुक ऑल माय सेविंग्स टू सेव टू मेक यू बेटर, नाउ यू सेव योरसेल्फ। रुक रुक। हाय यश कहाँ है? वो एक्चुअली मॉम ने भेजा है टू गेट यश होम। कॉल कर लेते, यहाँ क्यों आ गए? और वैसे भी यश जा चुका है, तुम भी जा सकते हो। You can't even wash your face properly. Playing with paint. Seriously? पता नहीं तुम बच्चों को ये सेंट मेरीज में एडमिशन कैसे मिल गया। और कल यही बच्चे पूरे सेंट मेरीज को चौकन्ना करने वाले। Wait for our entry tomorrow. Hey Neil, squash practice? लंच ब्रेक में करते हैं। ओके।
अरे यश स्पिनर निकालना यार, निकालना, घुमा। हे यू, तू फ्रेशर है ना? हाँ। फर्स्ट डे पे इतना स्टाइल? स्टाइलिश है ना, इजंट इट कूल? कूल, व्हाट अ जोक, तुझे सब सूट नहीं करता। चल गिव इट बैक टू हिम। क्यों भाई, तेरे पास मुंह नहीं है? ये तेरी माउथपीस है या गर्लफ्रेंड या दोनों? अबे ओए, तमीज से बात कर, समझा? सानवी छोड़, चल। सानवी, क्यों गर्लफ्रेंड बोलने में शर्म आ रही है? हाँ हूँ मैं उसकी गर्लफ्रेंड, पर तुझे नहीं समझेगा डम हेड। यू What's happening here? Neil, तुमसे ये expect नहीं किया था मैंने। So he was being rude to a girl. Then you should have come and talked to me about it. But sir, इसकी गलती थी। This is your first day in school, am I right? And you're going to tell me who's wrong and who's right? Exactly sir, मैंने यही समझा रहा था कि स्कूल में ये चीजें अलाउड नहीं है, स्पिनर्स एंड ऑल, और suddenly he came and started beating me. Beating? Stop lying. Neil, I'm sending a written complaint to your parents. उनके signatures लेके आना. Everyone go to your classes. सबको कि इट वॉज माई मिस्टेक। नो, यू नो यू आर राइट, गलती तुम्हारी है। मेरे फाइट के बीच में आना वॉज योर मिस्टेक। कर लेती मैं हैंडल उस टफर को, बट यू हैड टू कम इन बिटवीन। ओ अच्छा, नाउ आई अंडरस्टैंड, तुम्हें पूरे स्कूल के सामने सुपर हीरो बनना था, क्योंकि तुम ऑलरेडी हीरो तो हो ही। Do you know principal sir has always appreciated me? लेकिन आज, आज जिंदगी में पहली बार, 17 साल में पहली बार I had to go there for a freaking complaint, सानवी। आज तक dad के signatures अपने high score report cards पे लिया करता था, लेकिन आज, today I have to make him sign on a complaint letter। ओह, अच्छा, अब मेरी help करने से अगर तुम्हारी miss down होती है तो help की क्यों? Because I'm mad, I'm crazy about you, सानवी। Got your answer? ये जो तुम मुझे सबके सामने हीरो बुलाती हो ना, do you even know how much of hard work I have to do just to get that image right? दिन रात मेरे सीक्रेट सिर्फ मेरे हैं, and I can't believe it that I risked it all for you. हर वक्त तुम मेरी आंखों के सामने रहती हो, मेरे जहन में रहती हो। बट मैं अभी भी यश के साइड पे हूँ। इट्स नॉट बिग डील यार, सबकी कंप्लेंट्स होती है, हमारी भी तो। तुम लोगों ने अच्छा मजा चखाया मानस को। वैसे यू नीड टू रियल ब्रदर राइट? हां, सो व्हाई नॉट हैंग आउट विद अस ड्यूरिंग लंच? और हां, नील को भी इन्फॉर्म कर देना इस प्लान के बारे में प्लीज। नो इट्स ओके, वी आर फाइन, कम। वीक अटेंशन पाने के लिए ना रोज रोज डिफरेंट इयररिंग्स पहनने पड़ते, पर वो मुझे नोटिस ही नहीं करता। एंड या दिस ट्रांसपेरेंट नेल पेंट,
all this funny? Hey, catch Sanvi. तू आज अलग क्यों लग रही है? ऐसा कुछ नहीं है. इयररिंग्स? तूने इयररिंग्स पहनी है? पूरी की पूरी लड़की लग रही है तू. तो क्या हुआ? सेंट मैरीज की सारी गर्ल्स पहनती है, इवन दैट नैना. Hey, check this out. Nail. Nana and me. Together we'll nail it. Sanvi and me. Sail. Together we will sail. Freshers party, friends. So ये party friendship day पे इसलिए रखी गई है, so that everyone could remember कि अब से friendship में no seniors and no juniors. So pick up the friendship band from bowls and tie it to anyone. चाहे नए friends हो या पुराने, let's all enjoy the party. Have fun. सीक्रेट बताओ. आई लाइक दैट व्हेन यू डू दैट. सो यू लाइक इट व्हेन आई होल्ड यू? आई लाइक इट, इसलिए वी कांट बी फ्रेंड्स. बट अगर तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनना है तो आई वुडन्ट से नो. सानवी, सीधा घर चलते हैं. अंकल के सामने ज्यादा बात मत करना, अपने रूम में जाना. प्रॉमिस? Cross my heart. Hey Sanvi, तेरा headache अभी तक नहीं गया? Headache? हाँ, वो नील ने बताया तुझे loud music से कुछ headache हो गया था. And sorry यार, मैं राशि के साथ थोड़ा busy था. But I'll पक्का make it up to you. मैं mom से ना headache का cure भी लेके आया हूँ. दालचीनी का लेप try करते. यश सुनना, I have. Hey राशि, come ना. चल. Meet my best friend Sanvi. और Sanvi, ये मेरी new friend Rashi. Hi. Hi. He kept talking about you yesterday. तुम्हें पता है? अभी मानस और नील लड़ रहे थे. उसमें क्या नया है? नील को तो सिर्फ बहाना चाहिए होता है फाइट करने का, फिर सामने कोई भी हो. You guys carry on, मैं वॉशरूम जाके आती हूँ. How are you? I'm perfectly fine. And yeah, I don't remember anything from last night. Silence, please. You're lying. Why will I? Because kal raat ko tumne mujhse kaha tha that you like me holding you. Just stop repeating what I told you. That means you remember. Waise I would be happy to be your boyfriend. You know that's not possible, right? But why? School topper is acting all dumb now. Obviously, Yash ko bura lagega. To usse nahi batayenge, yaar. And you think main ye kar paungi? Like, abhi dekha kitna acha jhoot bol rahi hu main. And yeah, hamara ek pact hai, mera aur Yash ka no lie wala. Wo nahi tod sakti main. To tum usse jhoot kyon bol rahi ho?
It's just that तुम उससे hide कर रही हो और मेरे हिसाब से इससे तुम्हारी friendship पे कोई असर नहीं पड़ेगा. Trust me. वैसे you know Sanvi what to do, don't you? बेटा तुम यहाँ आ गए, मैं तुम्हारे लिए कमरे में ही ला रही थी. नो प्रॉब्लम मॉम, मैं यहीं बैठ के पी लूंगा. कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों में हो देना फासले. नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोने आ सुन ले मेरी दिल दिया गल्ला. करांगे नाल नाल बैके अख नाल अख नू मिला के दिल दिया गल्ला. You know why I fell in love with you? Just because तुम ये earring type लड़की नहीं हो. For me, you're much more than that. तुम मुझे impress करने के लिए तुम्हें ये earrings पहनने की ज़रूरत नहीं है. Wait, you love me? What do you think? आंटी यश है? नहीं, वो तो स्कूल से ही चला गया बेटा. ओ अरे, अपनी नानी के यहाँ गया है ना, उसके कजिन्स आए हैं ना यूएस से, हम भी वहीं जा रहे हैं. तुम्हें बताया नहीं उसने? एक्चुअली मुझे होमवर्क में हेल्प चाहिए थी. नील है? हाँ बेटा वो है. एक्चुअली वो नहीं जा रहा है, उसका एग्जाम है ना, इसलिए वो पढ़ाई कर रहा है. कब से आने लगा? बट मैंने पैक नहीं तोड़ा. दिस इज नॉट यू टॉकिंग, दिस इज हिम टॉकिंग. इसने तुम्हारा भी ब्रेन वॉश कर दिया. और तुम आरियों में हो देना फासले. नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोने आ सुन ले मेरी दिल दिया गल्ला. करांगे नाल नाल बैके अख नाल अख नू मिला के दिल दिया गल्ला. करांगे रोज रोज बैके सच्चिया मोहब्बत निभाके. सताए मैनू क्यों, दिखाए मैनू क्यों एवे झूठी मोटी रुस के. रोटी थोड़ी जली हुई है. क्या हुआ? जली हुई रोटी देखकर इतनी दुखी हो गई? नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है.
मैं जानता हूँ ये सब उस लड़के की वजह से, राइट? ये आप क्या कह रहे हैं? कल तुमने अपना लैपटॉप तो बंद कर दिया था, लेकिन अपनी और नील की चैट विंडो बंद करना भूल गई थी। देखो बेटे, अच्छे सभी लोग होते हैं, सिर्फ वक्त खराब होता है। अभी तुम तीनों का वक्त थोड़ा खराब चल रहा है, तो जो कुछ करना सोच समझ कर करना। अब मैं क्या करूं पापा? ज्यादा कुछ नहीं, बस कुछ ऐसा मत कर देना कि उन दोनों भाइयों में और लड़ाई हो। ओके? बेटा, दर्द की वजह से भूख नहीं लग रही है क्या? डैड, दर्द नहीं है, छोटी सी इंजरी है, ठीक हो जाएगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं जिस वक्त गया था उस वक्त तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन ये अब अचानक कैसे? यश ने मारा। क्या? तूने अपने भाई को मारा? लेकिन क्यों? आपके वजह से, और आपके वजह से, वो बाकी सारे स्कूल टीचर्स, उन फ्रेंड्स की वजह से, उन सब की वजह से जिसे यश को यूज़लेस फील करवाया, उसे नील से कंपेयर करके स्मॉल फील करवाया। आंटी, आपको ये पता है मुझे मैंगोस पसंद है और नील को पोहा। आपको ये पता है यश को क्या पसंद है? इसने कभी कुछ बताया ही नहीं। दैट्स यश, वो कभी कुछ बोलता ही नहीं है। सिंस वो कुछ बोलता नहीं है, उससे कोई पूछता ही नहीं है। अंकल, आप हमेशा उसे डांटते हैं कि उसे बोर्ड्स में मार्क्स कम क्यों आए। कभी आपने उससे पूछा है कि उसको बास्केटबॉल में कितना इंटरेस्ट है? नील को तो स्क्वॉश में प्रोफेशनल कोचिंग, पर यश को बास्केटबॉल में कोचिंग क्यों नहीं अंकल? और नील, तुम्हें उससे डिफरेंसेस बाजू में रख के तुम्हें उससे दिल से बात करना चाहिए, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम लोग में कितनी सिमिलैरिटीज है। और यश, You don't hate Neil, you just hate people comparing you to him. और नील तो बस तुम्हारे लिए एक easy outlet है। और एक last बात, नील चाहे competition में तुझसे कितना ही आगे क्यों ना हो, but when it comes to friendship, तू winner है और हमेशा रहेगा। I'm done. Sanvi, तुम ऐसे नहीं जा सकती। You know I love you. और हाँ, मैं jealous था, because I love her. बट एज अ बेस्ट फ्रेंड, रोमांस तुम दोनों रखो यार। और वैसे भी वो मुझे तुझसे ज्यादा प्यार करती है, वरना इसे छोड़ के नहीं आती। वो मुझे चाके भी हर्ट नहीं कर सकती, चाहे उसके लिए तुझे भी हर्ट क्यों ना करना पड़े। That's not fair. I love him too. Of course. तभी तो यू केम बैक। अच्छा, नाउ टेल हिम दैट यू लव मी मोर। नो आई वोंट। हाँ, मुझे पता है मैं इतने जल्दी नहीं डिसाइड कर सकती हु डू आई लव मोर, बट तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है यार, और तू मेरा पहला प्यार। एक्चुअली तुम दोनों को मुझे खुश रखना पड़ेगा। यू नो वॉट, जब हम ओल्ड हो जाएंगे और तुम्हारे दो दांतों में से सीटियां बजने लगेंगी और बाल भी झड़ने लगेंगे, तब शायद डिसाइड कर पाऊंगी कि किससे ज्यादा प्यार करती हो। अरे अरे, मुझे खुश करो। Your time starts now. फिर बाद में मत बोलना कि मैंने वार्निंग नहीं दी थी।